नमस्कार, गैप फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सी राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है, क्या आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक किया? अगर कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है या करने के बाद भी आपको डाउट लगता है कि पता नहीं मेरा पैन कार्ड आधार से लिंक हुआ है कि नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए। आइए थोड़ा सा डिटेल में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बार बार आपके मोबाइल फोन और ईमेल आईडी में आपको मैसेज आ रहे हैं कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले आपने तो सवाल पूछना है कि आपका 31 मार्च 2022 से पहले जो डेट दिया गया है, पैन कार्ड को जरूर करें आधार से लिंक, अदरवाइज आपका पैन कार्ड खत्म हो सकता है, राइट? कुछ इस तरह का मैसेज आपके मोबाइल फोन में आ रहे होंगे कि प्लीज लिंक योर आधार नंबर विथ पैन एट ई फाइलिंग पोर्टल इफ नॉट एट बाई 31 मार्च 2022। अगर आपने लिंक कर लिया है तो प्लीज इग्नोर दिस मैसेज। तो ये मैसेज बार बार आपके आ रहे हैं। ईमेल आईडी में भी कुछ इस तरह के मैसेज आ रहे हैं कि लिंकिंग पैन विद आधार कम्स विद लिंक्ड बेनिफिट भी बताया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात इसमें ड्यू डेट भी बताया जा रहा है 31 मार्च 2022 तक, और छोटे छोटे अक्षरों में आपको लिखा गया है कि आपको पेनल्टी भी लगा सकते हैं। वो सारी चर्चाएं वन बाई वन हम लोग इस वीडियो में जरूर करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके मन में दुविधा है कि अगर पैन आपका आधार से लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो भी देखेंगे। सबसे पहले बात, पैन कार्ड आधार कार्ड वैसे लोगों को जो कि बिल्कुल इसके बारे में अवेयर नहीं है कि लिंक करना भी है कि नहीं करना है, तो सबसे पहले जैसे आप शादी के जोड़े को करते हैं ना कि आपका दूल्हा और दुल्हन शादी के जोड़े में बंधन होते हैं, तो 36 गुण उसके मिलाए जाते हैं या जितने मैक्सिमम गुण मिलाए जाते हैं उसको मिलने के बाद ही शादी का बंधन होता है, वरमाला किया जाता है। वैसे ही पैन कार्ड और आधार कार्ड को भी एक गुणवत्ता के आधार पर मिलान होगा। अगर आपका पैन कार्ड का डाटा आधार कार्ड के डाटा से मैच नहीं कर रहा होगा तो लिंक नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है, कराना है। आप खुद से करें या अपने प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हैं। वो सारी चर्चा स्टेप बाय स्टेप हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पैन कार्ड को आधार से जोड़ना है, इनका गठजोड़ करना है, तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा? पैन कार्ड जो है आधार कार्ड से लिंक करना पड़ेगा, अदरवाइज सरकार कह रही है कि आपको 10,000 तक आपको जुर्माना लगा सकती है। तो ध्यान से, आपको 31 मार्च 2022 आपके लिए लास्ट डेट है। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। इसमें अब आगे चर्चा जो हम करने जा रहे हैं वो कैसे आप अपने आधार को पैन से लिंक करोगे, 2 मिनट लगाइए। आपके पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी कॉपी करके जा सकते हैं। www.incometaxindia.gov.in पे जाएंगे। अगर आप जहां पे वहां पे जाते हैं तो ऐसा एक आपको मेनू दिखाई देगा और इसमें कॉर्नर साइड में लिंक आधार का एक ऑप्शन आएगा। यहां पे ध्यान से देखें आप, लिंक आधार, वहां पे जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपके सामने एक नया पॉपअप ओपन होगा जिसमें आपसे रिक्वायर्ड किया जाएगा कि आप अपना पैन नंबर और अपना आधार नंबर, अपना पैन नंबर यहाँ पे, अपना आधार नंबर यहाँ पे, नेम जो है आधार कार्ड में वो यहाँ पे, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिए और टिक करिए कि आपके पास आधार कार्ड डिटेल सही है, राइट? अगर आपके पास केवल डेट ऑफ बर्थ ही सही है तो वो भी टिक कर सकते हैं। और उसके बाद लिंक आधार वाले, जैसे ही ये सारे डेटा को आप फीड करेंगे तो आपके पास लिंक आधार वाला जो ये कॉलम है वो हाईलाइट हो जाएगा, जहाँ से आप इजली आप आधार को लिंक कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको करोगे, पैन को आधार से लिंक करने का प्रोसेस, तो सारे डिटेल फीड करने के बाद, राइट, आपको कुछ ऐसा मैसेज आएगा, योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार। अगर कुछ ऐसा मैसेज आता है कि आपका पैन कार्ड जो है ऑलरेडी आधार से लिंक है, इसका मतलब ये है कि आपका पैन कार्ड पहले से ही लिंक है, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर लिंक नहीं होगा तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा, योर पैन कार्ड इज सक्सेसफुली लिंक विद आधार। एक और भी समस्या हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास, क्या है कि गलती से ही सही या अनजाने में ही सही या जानबूझकर, जैसा भी कह सकते हैं, उनके पास 2 पैन कार्ड
बन चुके हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, एक का पैन तो डीएक्टिवेट होना ही होना है, क्योंकि अगर आप करने जाओगे कोई दूसरे पैन को लिंक, तो आपको कुछ ऐसे तरह का मैसेज शो करेगा कि ये जो आधार नंबर है किसी और पैन कार्ड से लिंक है। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो आपको थोड़ा सा सोचने की समझने की जरूरत है, यानी कि आपका गलती से ही सही या अनजाने में ही सही आपका दो पैन कार्ड बन चुका है। तो 31 मार्च तक एक पैन तो डीएक्टिवेट आपका हो जाएगा। समस्याएं आएंगी अगर पुराने पैन कार्ड पे आपने बहुत सारे ट्रांजेक्शन किए हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, तो प्रॉब्लम होगा, बट वो डीएक्टिवेट होगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको एक पैन को आपको 3 फैसिलिटेशन सेंटर पे जाके आपको सरेंडर कर देना है, या ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मिलते हैं कुछ ऐसे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।